हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद विद्या एंड विक्की में आपका स्वागत है। तो आज मैं नई रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, चलिए जो बहुत आसान तरीके से बनती है। तो ये देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रेड मलाई चप, जो बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाई है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो मैं आपको एक कट करके दिखा रही हूँ, ये देखिए इसका अंदर का टेक्सचर, जो मलाई चप है ये देखिए कितना प्यारा इसके अंदर से मलाई निकल रहा है। और ये देखिए कितना प्यारा हमारा मलाई चप बनके तैयार है। तो चलिए मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। और हाँ, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट कर दे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ब्रेड मलाई चप बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे मावा। तो मावा हम जनरली लोग बनाते हैं दूध से, आज हम मिल्क पाउडर से बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर लिया और उसमें थोड़ा सा दूध देंगे, दूध ज़्यादा नहीं देना। और इस तरह पहले हम इसे गैस को ऑन नहीं करना है, पहले से हमें मिक्स कर लें इस तरह, इसमें लम्स ना रहे। और अब हम गैस को स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, गैस को हमने ऑन कर लिया है, अब इसे हमें लगातार चलाना है। ये 2 से 3 मिनट में हमारा मावा बनके तैयार हो जाएगा। इसे लगातार इस तरह चलाते रहें। ये देखिए, इस तरह हमारा गाढ़ा होते जा रहा है। तो इसी तरह हमें थोड़ा सा इसे मावे की तरह बना लें। तो ये देखिए, इस तरह का हमारा बनके तैयार है मावा। तो अब हम गैस को बंद कर लेंगे, इसे निकाल लेते हैं प्लेट में हमारा। तो चलिए हम रबड़ी की तैयारी करते हैं। अब हमें रबड़ी बनाने के लिए हमें कढ़ाई लेंगे और 2 स्पून हमें कॉर्नफ्लोर देना है। गैस को पहले ऑन ना करें। और इसमें हम मिल्क पाउडर डाल दें 3 चम्मच और इसके बाद इसे इस तरह मिक्स कर लें। ये देखिए, इस तरह मिक्स कर ले पहले, उसके बाद कॉर्नफ्लोर और दूध पाउडर को। अब इसमें हम दूध डालेंगे 1/2 लीटर, मैं दूध डालूंगी इसमें। तो ये देखिए, 1/2 लीटर दूध मैं डाल रही हूँ उसमें, 1 कटोरी और जाएगा। ये हमारा 1/2 लीटर दूध हो गया। अब इसे अच्छे से हम मिला लेंगे, इसमें लम्स नहीं होना चाहिए, लम्स ख़त्म हो जाएगा तब हम जाके गैस को ऑन करेंगे। तो ये देखिए, हम लोगों ने गैस को ऑन कर दिया है। अब हम इसे गाढ़ा तक बनाना है, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए तो रबड़ी हमारा तैयार होगा। इसी तरह आप इसे चलाते रहे, आपको ज़रूरत नहीं है खड़ा होके बनाने का, बस आप इसे बीच बीच में चलाते रहें। तो ये देखिए, इस तरह हमें बीच बीच में इसे चलाते रहना है। और इसे देखिए, इसका किनारे वाला जो होता है, ये जो इसे आप इसे हटाते जाएं, और यही हमारा राबड़ी जब बनेगा तो ये हमारा ज़्यादा अच्छा इसका टेक्सचर आएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अभी और थोड़ा सा हमारा होना बाकी है। देखिए, अभी थोड़ा सा इस तरह का हुआ है, तो अभी और थोड़ा सा होगा। तो ये देखिए, इस तरह का अगर जब हमारा हो जाए राबड़ी, तो अब इसमें मैंने केसर को थोड़ी सी गर्म दूध में, देखिए मैंने 2-4 केसर के धागे दिए थे। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप फूड कलर भी दे सकते हैं और इसे दे दें। और ये देखिए, केसर अपना कलर कितना अच्छा प्यारा छोड़ा है। और अब इसमें हम डालेंगे पिसी हुई इलायची और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो मैंने इसमें 3 चम्मच पिसी हुई चीनी दिया। अब इसे हम कर लेंगे मिक्स और देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा राबड़ी एकदम बनके तैयार है। तो इस तरह का हमें अब थोड़ा सा चीनी को भी घुल जाने दें। और उसके बाद, क्योंकि जब चीनी पड़ता है तो वो थोड़ा सा पानी छोड़ता है, तो इसे थोड़ा सा और थिकनेस होने दें। उसके बाद हमारा राबड़ी बनके तैयार है।
तो ये देखिए अब राबड़ी हमारा एकदम बनके तैयार है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे ऑफ, अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो चलिए जो आगे की हमने है रखा है उसे हम कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने खोआ जो बना के रखा था ब्रेड चप के लिए, तो ये देखिए इस तरह हमें, अब थोड़ा सा हमें इसमें चीनी देंगे, ज़्यादा चीनी नहीं देना है, एक चम्मच चीनी देना और इलायची कुटी हुई, और इसे इस तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह, आप पहले खोआ में चीनी ना दें नहीं तो वो मेल्ट हो जाता है। इस तरह हमें अब चीनी मेल्ट हो गया, अब हमें पेड़े की तरह इस तरह बनाना है और इसे इस तरह चपटा कर देना है। ये देखिए इस तरह, और इसी तरह हम सारा बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने 6 पेड़े बनाए इस तरह। अब मैं इसे साइड में रखूंगी। अब हमें ब्रेड लेना है, तो अब ब्रेड को इस तरह हम, मैंने 12 ब्रेड लिए हैं, 6 बनाने के लिए हमें 12 चाहिए। तो ये देखिए मैं इस तरह रखूंगी एक गिलास से, आप इसे गोल कट कर लें। और ये देखिए, और ये वाला आप जो है इसे फेंके ना, अब ये बहुत ही काम आ जाता है हमारा, आप इसका पोहा भी बना सकते हैं। तो इसी तरह हम सारे काट लेंगे। तो ये देखिए इस तरह मैंने इसे काट लिया है। अभी मैं 4 ब्रेड का बता रही हूँ। तो ये देखिए हमें क्या करना है, इस पर थोड़ा सा पानी लेना है और चारों तरफ अच्छे से इसे अच्छे से भिंगा लें, भिंगाने से क्या होगा कि हमारा अच्छे से चिपक जाएगा ब्रेड। अब मैं आपको भर के दिखा रही हूँ। मैं एक पेड़ा लूँगी इस तरह बीच में, और इस तरह इसे रखेंगे, और इसे हमें किनारे किनारे इस तरह दबाते जाना है। ये देखिए इसी तरह मैंने सारे दबा दबा के इस तरह, देखिए कितना अच्छा से पैक हो गया है। तो अब इसी तरह मैं साड़ी बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने सारे इसे भर लिए। अब इसमें हम लोग राबड़ी है जो हम लोगों ने तैयार किया था, इसमें हम लोग इस तरह डाल देंगे अच्छे से सभी पे। ये देखिए मैंने इसी तरह सारे पे डाल दिए। आप इसमें पहले ना डालें राबड़ी, नहीं तो हमारा ब्रेड जो है पिघल जाएगा। तो ये देखिए अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स को सर्व कर देंगे। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा बनके तैयार है ब्रेड मलाई चप। आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताएं, और एक बार ट्राई करें, ये बहुत ही आसान रेसिपी है। तो आप हमें ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। आप